दैनिक दबंग दुनिया ने अपने मुख्य पृष्ठ पर नर्मदा क्वीन में हनुवंतिया टापू पर बैठक आयोजित होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अखबार ने टापू पर बने दो टेंटों में आग लगने और क्रूज पर बैठक के चलते वीआईपी इंतजामों के बारे में भी विस्तार से लिखा है। भोजशाला में नमाज और पूजा दोनों करवाने के गृह मंत्री बाबूलाल गौर के बयान को अखबार ने पहले पेज पर लिया है। अखबार ने लिखा है कि 12 फरवरी को बसंत पंचमी पर पुलिस की व्यवस्था के बीच अलग अलग समय पर पूजा और नमाज होगी। वहीं इंदौर स्मार्ट सिटी योजना पर स्टे से हाईकोर्ट द्वारा इनकार करने की खबर को भी इसी पेज पर प्रकाशित किया गया है। अखबार लिखता है कि शहर में 5,099 करोड़ रुपए की प्रस्तावित लागत वाली योजना पर इंदौर हाईकोर्ट खंडपीठ ने स्टे लगाने से इनकार कर दिया है। व्यापम की वनरक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी सामने आई, जिसके बाद परीक्षार्थियों द्वारा हंगामा करने की खबर को भी अखबार ने राज्य पेज पर प्रकाशित किया है। अखबार ने व्यापम की साइट पर रात में वनरक्षक परीक्षा में 500,000 छात्रों को पास करने और सुबह उन्हें फेल करने के बारे में विस्तार से लिखा है। देश विदेश पेज पर दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को प्रकाशित किया गया है, जिसमें घर की बड़ी बेटी को परिवार का मुखिया बनाने के बारे में कहा गया है। अखबार ने फैसले के बाद से पिता की पैतृक संपत्ति और प्रॉपर्टी पर बड़ी बेटी का हक पहले होने और इससे होने वाले सामाजिक बदलाव के बारे में छापा है।